दुनिया के 10 ऐसे भी देश हैं जहां पुरुषों की तुलना में लगभग दोगुनी लड़कियां हैं और उन देशों में लड़कों की बहुत कमी है। और इस वीडियो में हम दुनिया के 10 ऐसे ही देशों के बारे में जानने की कोशिश करेंगे जहां की महिलाएं खूबसूरत तो हैं ही, साथ ही उनकी जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। इसलिए इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहे। 10 ग्वाडिलोप। ग्वाडिलोप करेबियन में फ्रांस का एक द्वीप है जो कि काफी सुंदर देशों में से एक है, क्योंकि यहाँ की लड़कियाँ 2 बार मिस अर्थ का खिताब जीत चुकी हैं। वैसे यहाँ की कुल आबादी मौजूदा आंकड़ों के अनुसार लगभग 4,00,000 लोगों की है, जो कि एक छोटा सा देश है, पर इसमें कुल आबादी के 52.8% सिर्फ महिलाएं हैं। यानी ग्वाडिलोप में 100 पुरुषों पर 112.5 महिलाएं हैं, जिसके कारण इस देश में 20% ऐसी महिलाएं हैं जो 40 के होने के बाद भी अनमैरिड हैं। और लगभग हर साल हजारों महिलाएं अपने देश से बाहर शादी कर लेती हैं, जो कि दुनिया का 10वां सबसे ज्यादा महिलाओं का देश माना जाता है। तो अब चलते हैं इससे भी ज्यादा लड़कियों की जनसंख्या वाले देश में। 9 हांगकांग। दुनिया भर में अपने सबसे सस्ते ब्रांडेड मार्केट के लिए सबसे प्रसिद्ध देश हांगकांग विश्व में 9वें सबसे ज्यादा महिलाओं का देश माना जाता है, जहां पर मौजूदा आंकड़ों के अनुसार 53% महिलाएं हैं वहां की कुल आबादी के। हालांकि ये आज भी मेल डोमिनेंट सोसाइटी वाला देश है, लेकिन यहाँ की 51% लड़कियाँ अपना जॉब करके कमाती है। वैसे 2006 में यहाँ पर 1000 फीमेल पर 912 मेल थे, पर मौजूदा समय में 1000 फीमेल पे मात्र 852 मेल हैं। और माना जाता है कि हांगकांग में 2036 तक 763 पुरुष ही बच जाएंगे 1000 महिलाओं पर। तो अब चलते हैं इससे भी ज्यादा पर। 8 इस्तोनिया। इस्तोनिया उत्तरी यूरोप का देश है जो फिनलैंड, स्वीडन और रूस से घिरा है। इस्तोनिया को दुनिया के सबसे खूबसूरत लड़कियों का देश गिना जाता है, जहाँ की लड़कियाँ बेहद सुंदर होती हैं और यहाँ की 100% लड़कियाँ शिक्षित हैं और लगभग इस्तोनिया की 71% लड़कियाँ अपना जॉब करके कमाती है ग्लोबल इंडेक्स के अनुसार। हालांकि यहाँ की हैरान करने वाली बात यह है कि इस्तोनिया में 59% बच्चों का जन्म शादी से पहले ही हो जाता है। वैसे इस देश की कुल आबादी लगभग 13,30,000 है, उसमें से भी इस्तोनिया में 53% सिर्फ महिलाएं हैं, यानी 100 पुरुषों पर लगभग 115.5% महिलाएं इस्तोनिया में। खैर, अब चलते हैं इससे भी ज्यादा पर। 7 बेलारूस। बेलारूस एक लैंडलॉक देश है जहाँ की कुल आबादी 94,00,000 से ज्यादा है और उसमें से भी 53.5% सिर्फ महिलाएं मौजूद है उस देश में। वैसे बेलारूस की 87% लड़कियाँ पूरी तरह से शिक्षित हैं और लगभग 62% महिलाएं जॉब करके कमाती है। हालांकि बेलारूस की लड़कियों को अविश्वसनीय रूप से सुंदर माना जाता है। बेलारूस की महिलाओं का शिक्षित और सुंदर होने के कारण ये यूरोप का सबसे कम गरीबी दर वाला देश है, जहां पर 100 पुरुषों पर 115.6 लड़कियां हैं। फिलहाल अब चलते हैं इससे भी ज्यादा पर। 6 रशियन फेडरेशन, जिसे आम भाषा में रूस भी बोला जाता है, जहाँ की कुल आबादी लगभग 14 करोड़ है। वैसे यहाँ की लड़कियों की सुंदरता को तो हम सब जानते हैं। रूस की 93% लड़कियाँ शिक्षित है और लगभग 70% लड़कियाँ जॉब करके खुद कमाती है। वैसे अमेरिका की एक शोध के मुताबिक खूबसूरत होने के अलावा रशियन लड़कियों को 3 कारणों से सबसे सुंदर बोला जाता है। पहला, वहाँ की लगभग लड़कियाँ शिक्षित हैं। दूसरा, उनकी प्रेजेंटेशन स्किल्स यानी ड्रेसिंग सेंस और मेकअप अद्भुत माना जाता है। और तीसरा, रशिया की लड़कियाँ हर देश के लड़कों के साथ काफी आसानी से घुल मिल जाती हैं। वैसे यहाँ की कुल आबादी की 53.8% सिर्फ महिलाएं हैं, यानी रूस में 100 पुरुषों पर लगभग 117 लड़कियां हैं। 5 यूक्रेन। यूक्रेन यूरोप का सबसे बड़ा देश है एरिया के हिसाब से, जहाँ की कुल आबादी 41 मिलियन से ज्यादा है और इस देश में लगभग 91.5% महिलाएं शिक्षित हैं, पर फिर भी 45% यूक्रेन की महिलाएं वायलेंस का शिकार है। इसके बावजूद 62% यूक्रेन की महिलाएं जॉब करके कमाती है। वैसे यूक्रेन में 53.9% महिलाएं हैं, यानी 100 पुरुषों पर 117.4 महिलाएं हैं। हालांकि यूक्रेन में वहां की लड़कियों का सुंदर होने का मुख्य कारण उनकी आंखें मानी जाती है, क्योंकि यूक्रेन में अधिकतर लड़कियों की आंख हरी या नीली होती है, जो कि उनकी सुंदरता को और निखार देती है। खैर, अब चलते हैं इससे भी ज्यादा पर। 4 लिथुएनिया। स्वीडन और डेनमार्क के पास बसा लिथुएनिया एक खूबसूरत देश तो है ही, साथ ही वहाँ की लड़कियाँ भी काफी सुंदर हैं।
जहाँ की कुल 88.3% महिलाएं पूरी तरह से शिक्षित हैं और लगभग 77.1% महिलाएं जॉब करके कमाती हैं। हालांकि लिथुआनिया की लड़कियां दुनिया में फुटबॉल और बास्केटबॉल में काफी ज्यादा दिलचस्पी लेती है। हालांकि आंकड़ों के अनुसार लिथुआनिया की 99% महिलाएं खूबसूरत मानी जाती है। साथ ही यहाँ की महिलाओं को दुनिया के 10 ऐसे देशों में माना जाता है जहाँ की महिलाएं सबसे ज्यादा उम्र तक यंग दिखती है। हालांकि लिथुआनिया की कुल आबादी 27 लाख से ज्यादा है, लेकिन उसमें 54% सिर्फ महिलाएं हैं, यानी 100 पुरुषों पर लगभग 117.8 महिलाएं हैं। खैर, अब चलते हैं इससे भी ज्यादा पर। नंबर 3, मार्टिनिक। मार्टिनिक देश चारों तरफ से समुद्र से घिरा है और यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए हर साल लगभग 6 लाख टूरिस्टर आते हैं, जो कि दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड है। और यहाँ की कुल आबादी लगभग 3,75,000 लोगों की है, जिसमें 53% आबादी सिर्फ महिलाओं की है, यानी 100 पुरुषों पर 118 महिलाएं का अनुपात है इस देश में। वैसे दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी देश की लड़कियां सबसे ज्यादा खूबसूरत लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल अब लड़कियों के देश में। नंबर 2, लातविया। रशिया से सटा ये देश लातविया 1.9 मिलियन आबादी के साथ $33,824 की पर कैपिटा जीडीपी के साथ दुनिया में एक विकसित देश माना जाता है, जहां की 100% महिलाएं शिक्षित हैं। लातविया की महिलाओं का किसी भी कार्य में स्ट्रांग प्रेजेंस ऑफ माइंड माना जाता है, क्योंकि लातविया में 73.9% पुरुष अगर आय अर्जित करते हैं तो 70.7% महिलाएं भी हैं उसमें, यानी लगभग पुरुषों के बराबर। जिस वजह से लातविया में महिलाओं के खिलाफ हिंसा एक गंभीर समस्या बनी हुई है, जिस वजह से देश में महिलाओं की हत्या का दर बहुत अधिक है। फिर भी इस देश में 54.2% महिलाएं, यानी 100 पुरुषों पर 118.5% महिलाएं लातविया में हैं, जिसके लिए 1 लाइक तो बनता है। नंबर 1, क्यूराकाओ। क्यूराकाओ एक आइलैंड कंट्री है जो नीदरलैंड से सटा हुआ है, जहाँ की कुल आबादी मात्र 1,63,424 लोगों को माना जाता है। और यहाँ पर अधिकतम वो पर्यटक आते हैं जो पानी और क्रूज के शौकीन हैं। जैसे कि पिछले आंकड़ों के अनुसार एक साल में लगभग 6,10,186 पर्यटक आए थे सिर्फ क्रूज की यात्रा करने के लिए। और इस देश में महिला की आबादी का प्रतिशत 54.6 है, यानी 100 पुरुषों